Hello students, welcome back once again to your online mathematics second lecture. Application of derivatives chapter हम completely खत्म कर चुके हैं, उसके questions की practice भी हमने की और last lecture was all about the previous year questions that have been asked in JEE as well as in different competitive exams. So हमने last lecture में कुछ ऐसे questions किए थे जो कभी ना कभी किसी ना किसी competitive exam में आए हैं और आज का लेक्चर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही होने वाला है. आज भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट 10 इयर्स में कहीं ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 × cos^4x, कॉस की पावर 4x है, प्लस 10 × cos^3x प्लस 10 × cos^3x प्लस 6 cos^2x माइनस 3 प्लस 6 cos^2x माइनस 3. ये आपको फंक्शन गिवन है और यहां पर आपको इंटरवल भी गिवन है. x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई, है ना. तो जो भी काम करना है हमें 0 से लेकर पाई के बीच में करना है ना. तो ये आपको बताना है ये फंक्शन कहां, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. पहला है डिक्रीजिंग, पहला ऑप्शन है डिक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई बाय टू से टू पाई बाय थ्री. दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी, बी ऑप्शन है इंक्रीजिंग इन पाई बाय टू से पाई, इंक्रीजिंग हो रहा है पाई बाय टू से लेकर पाई तक. फिर ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय टू यूनियन, 0 से पाई बाय टू यूनियन 2 पाई बाय 3 से लेकर पाई. और फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय टू यूनियन पाई बाय टू से पाई. सो बेसिकली फंक्शन गिवन है और आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के चार ऑप्शंस गिवन है. तो क्लियरली ये हमें पता चल गया है कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो हमें उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को वैसे ही प्रोसेस, मतलब प्रोसेस क्या है बेसिकली इसका, सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है. क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन करने के बाद हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है ना. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में हम ऐसा करते हैं. तो सबसे पहले हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं. तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू फोर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फोर बाहर आ जाएगा, थ्री फोर जाए 12 हो जाएगा, यहाँ कॉस क्यूब हो जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना. इसी तरीके से इसका हो जाएगा 30, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. इसी तरीके से 6 cos^2x का हो जाएगा 12 cos x इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और माइनस थ्री का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. अब मैं यहां देख सकता हूं 12, 30 और 12 में से कॉमन क्या आएगा, है ना. इसमें से कॉमन क्या है, 6 कॉमन है ना. 12, 30 एंड 12 में से 6 कॉमन है. कॉस क्यूब, कॉस स्क्वायर एंड कॉस में कॉस कॉमन है. साइन 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 नेगेटिव साइन कॉमन है. सो अब मैं देखिए 12 − 12 cos x sin x इस एक्सप्रेशन को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा. सॉरी मुझे यहाँ पे 6 कॉमन लेना है, मुझे यहाँ 6 कॉमन लेना है क्योंकि 12, 30 और 12 में 6 कॉमन है. तो मैंने 6 माइनस 6 कॉस एक्स साइन एक्स कॉमन लिया. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos^2x हो जाएगा. यहाँ हो जाएगा प्लस 5 cos x हो जाएगा, 2 cos^2x प्लस 5 cos x हो गया. और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा प्लस 2, है ना, यहां पर रह जाएगा प्लस 2. ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 cos x sin x, है ना. और ये देखिए, ये एक इसमें ये है ना, एक क्वाड्रेटिक है जिसमें cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है प्लस 5 cos x प्लस 2. तो इसके हम फैक्टराइज कर देंगे
और इस माइनस सिक्स को मैंने माइनस थ्री इंटू टू लिखा ताकि ये टू कॉस एक्स साइन एक्स क्या बन जाएगा, साइन टू एक्स बन जाएगा, और इसको मैं फैक्टराइज कर दूंगा। तो फैक्टराइज करने के बाद इसको स्प्लिट कर देना आप फाइव कॉस एक्स को, फोर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए ऐसे टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टू। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ टू कॉस एक्स कॉमन है, सो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस टू, ओके, और प्लस वन कॉमन है कॉस एक्स प्लस टू। सो फैक्टर क्या हो गए, टू कॉस एक्स प्लस वन एंड कॉस एक्स प्लस टू। सो फैक्टर हो जाएंगे टू कॉस एक्स प्लस वन इंटू कॉस एक्स प्लस टू। सो ये हो गया एक्सप्रेशन। और टू कॉस एक्स साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू कॉस एक्स साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन टू एक्स, है ना। इस एक्सप्रेशन को मैं मिटा के अब लिख देता हूँ साइन टू एक्स, और बाहर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय साइन टू एक्स, है ना, माइनस थ्री साइन टू एक्स, टू कॉस एक्स प्लस वन एंड कॉस एक्स प्लस टू, है ना। ये मेरा आया एफ डैश एक्स, ये मेरा क्या आया एफ डैश एक्स। अब मुझे एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और फिर एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, है ना। एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। सो अब देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इससे क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम निकालेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो तब होगा, माइनस थ्री तो कभी जीरो हो नहीं सकता, या तो साइन टू एक्स को जीरो होना पड़ेगा, साइन टू एक्स को जीरो होना पड़ेगा, और टू कॉस एक्स प्लस वन को जीरो होना पड़ेगा, है ना। और देखिए कॉस एक्स प्लस टू को जीरो होना पड़ेगा। अच्छा ये इसको सबसे पहले देखिए, अगर कॉस एक्स प्लस टू जीरो हुआ तो कॉस एक्स का वैल्यू माइनस टू, और कॉस का रेंज क्या होता है माइनस वन से वन, तो कॉस फंक्शन का वैल्यू माइनस टू तो कभी आ ही नहीं सकता, तो इस सॉल्यूशन को तो हम खारिज कर देंगे, दिस इज रिजेक्ट, है ना, इस फैक्टर को हम रिजेक्ट कर देंगे, कॉस एक्स प्लस टू ये इम्पॉसिबल है। अब साइन टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, साइन टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, साइन जीरो कब कब होता है, साइन जीरो होता है या तो टू एक्स, या तो टू एक्स जीरो के बराबर हो, है ना, जीरो से पाई के बीच में, या तो ये टू एक्स किसके बराबर हो जीरो, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, या फिर ये टू एक्स किसके बराबर हो, टू एक्स बराबर हो पाई के, है ना। देखो ध्यान से 2x किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि साइन पाई जीरो होता है और पाई के आगे मुझे जाना नहीं है क्योंकि इंटरवल सेट है जीरो से पाई। सो अगर 2x पाई है तो x क्या हो जाएगा पाई बाई टू, है ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, और एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आया x इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये तो तब आ गया जब साइन 2x जीरो होगा, तो हमारे पास या तो x जीरो होना चाहिए या पाई बाई टू होना चाहिए। अब देखते हैं टू कॉस एक्स प्लस वन जीरो करके, सो टू कॉस एक्स प्लस वन जब जीरो होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, है ना। कॉस की वैल्यू माइनस हाफ कब कब होती है, जीरो से 180 के बीच में कॉस नेगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। माइनस हाफ को लिख सकते हैं माइनस कॉस 60, और फिर माइनस कॉस 60 को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस 60 इज माइनस कॉस 60, एंड एक्चुअली कॉस 180 माइनस 60 कितना हो जाता है 120, है ना। तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, दैट मीन्स माइनस कॉस 60, ठीक है ना, और माइनस कॉस 60 को लिखेंगे कॉस 180 माइनस 60, तो एक्स हो जाएगा 120 डिग्री, है ना, एक्स कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री को लिखा जा सकता है 2 पाई बाई 3, तो अब आपके सामने इंटरवल सेट है, इंटरवल है एक, ये सॉरी, अब आपके सामने क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, x इज इक्वल्स टू जीरो, x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, x इज इक्वल्स टू टू पाई बाई थ्री। अब हमें क्योंकि सवाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, तो क्या करते थे हम, नंबर लाइन बनाते थे, और नंबर लाइन को बनाने के बाद उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स को एलोकेट करके एफ डैश एक्स का साइन चेक करते थे, है ना। सो अब मैं बनाऊंगा नंबर लाइन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और इंटरवल दे रखा है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं करते हैं, वो हम पॉलिनोमियल क्वेश्चंस में करते हैं। यहाँ पर जीरो से पाई होगा, ये जीरो से शुरुआत हुई, ये पाई तक गया, है ना, जीरो से लेकर पाई तक, बीच में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आया, 90 आया और क्या आया 120 आया, तो 90 कहीं यहाँ होगा, पाई बाई टू यहाँ बना देते हैं, और यहाँ पे बना देते हैं टू पाई बाई थ्री।
अब इस नंबर लाइन, इस लाइन पे आपको एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है ना, एफ डैश एक्स दैट इज दिस, ये आपका एफ डैश एक्स आप समझ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको वर्बली बताता हूं, जीरो से नब्बे के बीच में अगर आप यहां कोई भी वैल्यू डालोगे ना इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स नेगेटिव हो जाएगा, और अंदर का पूरा मसाला, ये जो पूरी क्वाड्रेटिक बनी हुई है कॉस स्क्वायर की, ये भी क्या होगी, जीरो से नाइनटी के बीच में पॉजिटिव ही होगी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, बट मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स ये हो जाएगा नेगेटिव। सो एफ डैश एक्स का साइन हो जाएगा इस इंटरवेल में नेगेटिव, है ना, आप चेक कर लीजिएगा यही आएगा। फिर 90 से लेकर 2 पाई बाई 3 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू डालोगे, 90 से लेकर 120 के बीच में कोई आने वाली वैल्यू अगर आप रखोगे, तो एफ डैश एक्स का साइन वहां पर आएगा पॉजिटिव, आप चेक कर लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी चेक है ये, मैं आपको सिर्फ साइन बता रहा हूँ एफ डैश एक्स का। फिर 2 पाई बाई 3 से पाई के बीच में अगर आप कोई साइन डालोगे तो वो वापस आएगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है एफ डैश एक्स का साइन। तो जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो देख लीजिए कहां नेगेटिव है कहां पॉजिटिव, तो जीरो से पाई बाय टू नेगेटिव है और फिर टू पाई बाय थ्री से पाई नेगेटिव है। देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, हाँ है, डिक्रीजिंग इन जीरो से पाई बाय टू यूनियन टू पाई बाय थ्री से लेकर पाई, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ ऑप्शन और देख लीजिए कि इंक्रीजिंग पाई बाय टू से लेकर पाई, नहीं गलत है, पाई बाय टू से लेकर पाई तक इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ यहां तक इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है ना। डिक्रीजिंग इन पाई बाय टू से टू पाई बाय थ्री, पाई बाय टू से टू पाई बाय थ्री में ये डिक्रीज हो रहा है, नहीं सरासर गलत है ना, वहां तो ये इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीजिंग इन, नहीं ये भी गलत है ना, अपना हमारा सिर्फ सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कैसे पता चला, हमने एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लिया है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द टेंजेंट टू द कर्व, फंक्शन गिवन है एट द पॉइंट 1,1 इज 2 यूनिट्स, है ना, एरिया दे रखा है ट्राइंगल का, फंक्शन दे रखा है ना, उसके टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 1,1 पर उसका एरिया आ रहा है 2 यूनिट्स, देन हमें बी का वैल्यू निकालना है अगर ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, है ना। इसके चार ऑप्शन है, -1, -1, -3 या -3, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, टेंजेंट टू द कर्व है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा पहले, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरा 2x प्लस बी आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, बी एक्स का डेरिवेटिव बी हो जाएगा, है ना, माइनस बी है क्या इधर, यस, फिर माइनस बी का डेरिवेटिव जीरो है, तो ये एफ डैश एक्स हुआ। अब एफ डैश एक्स एट द पॉइंट 1,1 क्या हो जाएगा, 1 का मतलब एक्स, 1 का मतलब वाई, तो यहाँ पे वाई की तो कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 2 × 1 प्लस बी हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस बी, तो ये हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं, सो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा मेरा, y − y1 दैट मीन्स y − 1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 2 प्लस बी इंटू x − x1 दैट इज x − 1, चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल ऐसा ही होगा, है ना, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालिए हमने, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, y − 1 = 2x − 2 + bx − b, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। सो अब इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, y − 1 = x ((common) 2 + b) − ((2 + b)) ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, इसमें इसको इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। अब देखो फर्दर इसको और कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x ((2 + b) − y = 2 + b − 1, है ना, 2 + b
माइनस वन, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है ना, इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ना। अब आगे आगे किस तरीके से करेंगे, अब यहां पर तो ये देखिए इस तरीके से हो गया x इंटू टू प्लस बी माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर इस तरफ इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू टू प्लस बी माइनस वाई इज इक्वल टू टू प्लस बी माइनस वन, ये हो जाएगा वन प्लस बी है ना, कॉन्स्टेंट नंबर हो गया ये, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू टू प्लस बी अपॉन वन प्लस बी, मतलब इसका भाग लगा रहा हूं मैं वन प्लस बी का, माइनस वाई अपॉन वन प्लस बी इज इक्वल टू वन, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, है ना। एक रीजन है इसको क्यों लिख रहा है ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x अपॉन टू प्लस x अपॉन वन प्लस बी डिवाइडेड बाय टू प्लस बी, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। देखिए नीचे ले गया मैं इसको, x को फ्री कर दिया, इसको नीचे ले गया तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अब इस माइनस साइन को अगर मुझे प्लस बनाना है तो ये प्लस बना के y और यहाँ नेगेटिव लगा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ वन प्लस बी, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, इज इक्वल टू वन, है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, x अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू वन, है ना, इस तरीके से बता दिया। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब मेरे को निकालना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ऑफकोर्स मॉड में आएगा एक्स वन वाई वन, है ना, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स के नीचे जो टर्म है, वाई के नीचे जो टर्म है, उसको हम मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए आप, तो ऐसे एरिया निकालने के लिए आपको ये वाली टर्म वन बनानी होगी, एक्स के नीचे और वाई के नीचे जो टर्म्स होंगी उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, और ऑफ कोर्स बनाते वक्त बीच में प्लस साइन होना चाहिए। चेक कर लीजिए आप बिल्कुल, है ना, स्टेप समझ में आ रहा है आपको, देख लीजिए इजी है बिल्कुल, ज्यादा कोई ये टफ है नहीं। अब बस हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये चीजें पुट करनी है, एक्स वन का रोल प्ले कर रहा है ये एक्सप्रेशन वन प्लस बी अपॉन टू प्लस बी, और वाई वन का रोल प्ले कर रहा है नेगेटिव ऑफ वन प्लस बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बी का वैल्यू निकालना है और एरिया दे रखा है टू यूनिट्स, सो मैं लिखूंगा टू यूनिट्स इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन वन प्लस बी अपॉन टू प्लस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, या चाहो तो यहां लगा दो माइनस साइन और वन प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये टू इधर जाके फोर हो जाएगा और टू प्लस बी भी इधर चला जाएगा, तो फोर इंटू टू प्लस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन ऑफ माइनस वन प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, वन प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, टू इंटू टू प्लस बी टू से मल्टीप्लाई होके फोर इंटू टू प्लस बी हो जाएगा, नेगेटिव साइन रह जाएगा, है ना। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन में रफ कर देता हूं, तो अब इसको मैं खोल देता हूं, तो ये हो जाएगा एट प्लस फोर टू जाए एट, फोर इंटू बी इज फोर बी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ वन प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एट प्लस फोर बी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी, ठीक है। अब मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर फोर बी प्लस टू बी विल बिकम सिक्स बी, एट प्लस वन विल बिकम नाइन इज इक्वल टू जीरो, सो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सिक्स बी प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। आप चाहो तो इसको फैक्टराइज कर दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, वैसे आपको बी का वैल्यू यहां से सीधे माइनस थ्री आने वाला है, तो देखो क्योंकि ये क्या है बी स्क्वायर प्लस सिक्स बी प्लस नाइन क्या होता है, बी प्लस थ्री का होल स्क्वायर होता है, चेक कर लीजिए आप, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से बी प्लस बी स्क्वायर प्लस नाइन प्लस टू इंटू बी इंटू थ्री इज सिक्स बी, है ना, सो बी प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कहलाए, है ना।
सो बी का वैल्यू -3 हो गया. अच्छा क्वेश्चन था, आईआईटी 2007 में पूछा गया था ये, है ना. तो 2007 आईआईटी का क्वेश्चन था और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही था. बेसिकली आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद ऐसी फॉर्म बनानी थी, है ना. ये फॉर्म बनानी, जब भी आपको ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड टेंजेंट की प्रॉब्लम आ जाए, तो आप समझ जाना कि आपको इस तरीके से बनाना है उसको, है ना. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे. सो फंक्शन गिवन है x^25 इंटू 1 - x^75. इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालेंगे अब हम. सो दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे. तो पहले 1 - x^75 को बाहर कर देंगे, तो x^25 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 25 इंटू x^4, है ना. और अब की बार प्लस x^25 को बाहर करेंगे, सो 1 - x^75 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 75 1 - x 74. लेकिन फिर 1 - x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि आएगा -1. तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना. सो ये मेरा एफ डैश एक्स हुआ. अब एफ डैश एक्स को मुझे 0 के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है. तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 तब बनेगा जब ये इसके बराबर हो, क्योंकि बीच में माइनस साइन है. तो 1 - x की पावर 75 इंटू, यहाँ 25 बाहर लिख देते हैं, इंटू x^4 शुड बी इक्वल टू 75 1 - x^74 इंटू x^25, है ना. इस तरीके से आ जाए, तो मैं देख सकता हूँ x^4 से, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 25 x^24 आएगा, सॉरी 24 आएगा यहाँ. तो x^24 से x^25 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा. और 1 - x^75 से 1 - x^74 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - x बचेगा. सो यहां से अब मेरे पास आ गया 25 इन ब्रैकेट 1 - x शुड बी इक्वल टू 75 x. सो ये हो गया 25 - 25 x इज इक्वल टू 75 x, ठीक है. सो यहाँ से 25 इज इक्वल टू 100 x हो गया. सो x का वैल्यू आ गया 1/4, है ना. तो यही मेरा मैक्सिमम पॉइंट होगा. आगे करने की जरूरत है ही नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन है. कोई हमारा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है कि हमें एफ डैश एक्स के बाद एफ डबल डैश एक्स निकालना है, फिर उसका साइन चेक करना है, नहीं. ये एमसीक्यू है, सीधा आपको पता चल गया 1/4 इसका आंसर है, तो यही खत्म कर देंगे हम इसको, है ना. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली सारे क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन था, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. सो क्वेश्चन इज, अ लेडर, एक सीढ़ी है 5 मीटर लंबी. अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है ना. मान लो ये दीवार है, ठीक है, दीवार है. तो ये 5 मीटर की एक सीढ़ी है ना, ठीक है. ये 5 मीटर की सीढ़ी हो गई, है ना. इतना पार्ट समझ में आ रहा होगा आपको. ये दीवार के सहारे एक सीढ़ी 5 मीटर की लगी हुई है. अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. द बॉटम ऑफ द लेडर, है ना, द बॉटम ऑफ द लेडर, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट, एट द रेट 2 cm/s. Then how fast, then how fast is the height, how fast is the height on the wall decreasing, how fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder, when the foot of the ladder is
4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल। अब देखिए क्वेश्चन और मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द बॉल, है ना। मान लेते ये दीवार है, दीवार से ऐसे एक सीढ़ी लगी हुई है ना, ये सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। ये सीढ़ी का क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, सबसे नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा ये। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग इसको लैडर को आप पुल कर रहे हो, है ना। तो जैसे जैसे आप इस लैडर को पुल करोगे तो ये नीचे खिसकता जाएगा, खिसकता जाएगा, है ना। अरे जैसे पुल करोगे तो ये ऊपर थोड़ा ना जाएगा, आप इसके बॉटम को खिसकाओगे तो ये क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। देखो अभी हमें नहीं पता, अभी मैं मान लेता हूँ ये एक्स है ये वाई है। देख लीजिए ये 5 मीटर लंबी क्या है, ये आपकी लैडर है, ये वाली लेंथ मान लेते हैं एक्स है, ये वाली लेंथ वाई है। ये मेरे को लग रहा है ये देख के ही समझ में आ रहा है ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको देखकर, सिर्फ इसको देखकर सबसे पहली चीज तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है ना, 25 है सर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये तो मैं अपने कॉमन सेंस से इसको बोल सकता हूँ, है ना। अब क्वेश्चन पढ़िए। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। बॉटम ऑफ द लैडर, है ना, यानी ये इसको आप क्या करते जा रहे हो, इस बॉटम को आप मतलब पुल करते जा रहे हो अलोंग द ग्राउंड। तो जैसे जैसे आप इसको पुल करोगे तो इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हमें दे रखा है dx by dt कितना दे रखा है हमें, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सो अच्छा यहां से हम देख लेते हैं, तो यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x + 2y dy/dt इज इक्वल टू 25 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 25 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x + y (dy/dt) इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा यहां पर हम x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, छोटी सी गलती हो गई है। x² + y² = 25 है, रेट ऑफ चेंज हमें किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, t के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू t करना है हमें, विद रेस्पेक्ट टू t। तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x (dx/dt) प्लस y² का हो जाएगा 2y (dy/dt) और 25 का हो जाएगा 0। चेक करिए आप, है ना। मैं वापस आपको समझा देता हूँ। ये लैडर है, है ना, 5 मीटर लंबी, इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। तो इस लैडर का ये स्ट्रक्चर देखकर हम बोल सकते हैं x² + y² 25 होगा, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया यहाँ पर। और फिर देखिए, फिर उसके बाद हमें दे रखा है कि बॉटम ऑफ द लैडर, यानी ये वाले पार्ट तो आप जैसे जैसे खींचोगे, है ना, जैसे जैसे आप बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बॉटम ऑफ द लैडर मतलब ये है ना, इसको हम खींचेंगे, यानी हमें ये dx/dt दे रखा है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो जैसे जैसे हम इसको खींचेंगे, इसकी हाइट क्या होगी, कम होती जाएगी, है ना। आप इसको यहाँ से खींचोगे तो ये कम होता जाएगा, सीढ़ी फिर यहाँ आ जाएगी, फिर ये वॉल फिर नीचे नीचे आती जाएगी। तो आपको ये पूछा है कि ये वाली हाइट कितने दर से कम हो रही है ना, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल, जो वॉल पे जो हाइट है वो कितने रेट से डिक्रीज हो रही है जब फुट ऑफ द लैडर इज अवे फ्रॉम 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, है ना। जब ये फुट ये 4 मीटर दूर हो, जब ये 4 मीटर इस वॉल से जब ये 4 मीटर दूरी पर होगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, जब ये 4 मीटर दूर होगा, देखो जब ये 4 मीटर दूर होगा, सीढ़ी की लंबाई तो 5 ही रहेगी। अब देखिए, अब ये बना देते हैं, अब ये सीढ़ी थोड़ा नजदीक आ गई, अब ये 4 मीटर की दूरी पर है,
है ना, 4 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर, फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब ये 4 मीटर की दूरी पर है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पाइथागोरस लगाओगे आप इसमें, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। सो ये वाई का रोल 3 ने प्ले कर दिया, एक्स का रोल 4 ने प्ले कर दिया, 5 तो 5 ही है ना। और अब हमें निकालना है dy by dt, तो अब इसमें हम पुट कर देंगे, अच्छा 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equals to 0, तो मैं लिख सकता हूँ x dx by dt plus y dy by dt is equals to 0, क्योंकि 2 कॉमन है ना। अब देखिए x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 4 है, वही तो सवाल है, x की वैल्यू 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय dx by dt कितना आया, 2 आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय dy by dt हो जाएगा। अब यहां से हमें dy by dt पता चल जाएगा, वही तो आपको निकालना है, तो 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 dy by dt is equals to 0, है ना। सो dy by dt मेरा कितना आ जाएगा, dy by dt आ जाएगा मेरा -8/3 सेंटीमीटर, है ना, पर सेकंड। और क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या है, उसका रेट ऑफ मेजर, मतलब किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन। सो ये जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज होगी, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज होगी, है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे लटकी हुई थी, फिर उसको बोला कि बॉटम को आप खींचते जाओगे, बॉटम को आप क्या करोगे, पुल करते जाओगे अलोंग द ग्राउंड, है ना। फिर बॉटम को जैसे जैसे खींचोगे तो ये वाला पार्ट खिसकता जाएगा नीचे, खिसकता जाएगा मतलब छोटा होता जाएगा, है ना। फिर उसने ये बोला कि बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी ये dx by dt उसने दे रखा था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो उसने बोला कि कितनी तेजी से उसकी हाइट, वॉल की जो हाइट हो वो कम होगी जब when the foot of the ladder is 4 meter, foot of the ladder मतलब जहां पर वो खत्म हो रहा है ना, कि जब वो 4 मीटर दूरी पर हो वॉल से, तो ये 4 मीटर की दूरी है, ये तो 5 ही रहेगा, तो हमने इससे इसकी हाइट बता दी 3, है ना। तो x मिल गया, y मिल गया, और t के रेस्पेक्ट में x² + y² = 25 को डिफरेंशिएट किया, आगे सब कुछ आपके सामने है ना। तो क्वेश्चन दिखने में ही सिर्फ ऐसा लगता है वर्ड प्रॉब्लम है यार, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप ढंग से अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वो आप इजीली उसको बना सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में अपने एंड पर हम अब ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं, साथ में हमने इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए, बोर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने किए, और एक्चुअली बहुत वास्ट टॉपिक है, तो जितना कम करोगे उतना ही, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे लिए कम है, तो कभी ना कभी तो इसको ख़त्म करना ही था, है ना। तो बेसिकली अब हम बोल सकते हैं कि ये चैप्टर कम्प्लीटली हम ख़त्म कर चुके हैं, अब आपका पार्ट ये आता है कि आपको अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से करने हैं, जितने क्वेश्चंस आप बनाओगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि कैलकुलस है, कैलकुलस में ऐसा नहीं होता है कि हाँ सिर्फ समझ लिया और हो गया, कैलकुलस में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप जितने क्वेश्चंस खुद बनाओगे आपकी आगे उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। सो क्वेश्चंस करते रहिए, घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, घर से बाहर अननेसेसरी निकलिए मत, है ना। मैक्सिमम टाइम कैपिटलाइज करिए, यूटिलाइज करिए अपने घर पर ही, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।